बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असदुद्दीक टीवी। और आज जिस भाई का कमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऊपर, ये भाई पाकिस्तान से कह रहे हैं जी, चौधरी हामिद गुराया साहब ने कमेंट किया है जी हमें कि 6 महीने मेरी उम्र भी कम है 21 साल होने में, और उसके बाद हेपेटाइटिस भी गैम का ऑफिस में गया और उन्होंने मुझे हेपेटाइटिस बी का बोल दिया कि मुझे हेपेटाइटिस ही है। भाई आप वहाँ तो अगर 6 महीने अपना टाइम गुजारें बेहतर यही है आपके लिए, और अगर नहीं आप गुजारना चाहते, मजबूर हैं, आना ज़रूरी है आपके लिए, ज़रूरी है क्योंकि आपके माशाल्लाह काफ़ी बच्चे होंगे, इस वजह से आपको थोड़ी परेशानी होगी। ठीक है, मादरे चाहता हूँ, ठीक है आप आएँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसके लिए आप दवाई खा सकते हैं। 6 महीने जितना आपका टाइम बाकी है उसके लिए आप दवाई खाएँ किसी डॉक्टर से मशवरा करके, अगर नहीं तो फिर जनाब मोहतरम ये इसका हल तो है पैसे के, जिस तरह के आपने कमेंट के अंदर बताया कि हर चीज़ का पैसे से हल हो जाता है, इसी तरीके इस चीज़ का भी हल हो सकता है, कोई शक नहीं इसमें, हल नहीं होता, हल भी है। आप जनाब मोहतरम आप किसी एजेंट से बात करके, पाकिस्तान में एजेंट ऐसे हैं उनसे बात कर सकते हैं, तो आप अपना जनाब बनवा लें वो जो डॉक्टरी करवाते हैं गैमगा ऑफिस में, वो आप डॉक्टरी अपनी करवा लें क्लियर। उसके बाद मत सोचें कि सऊदी अरेबिया में कोई टेंशन है, नहीं, नो प्रॉब्लम, आपको वहाँ से आ जाएंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आपको मुश्किल नहीं है कोई। मेरा एक दोस्त था यहाँ पर, उसको भी हेपेटाइटिस सी या बी था, मालूम नहीं है, ए बी सी मालूम नहीं कौन सा था, लेकिन तो वस्तगफिरुल्लाह, तो जनाब मोहतरम वो पाकिस्तान से आ गया था, उधर उसने तकरीबन 1 लाख से ज़ायद पैसे दिए थे और फिर सऊदी अरेबिया के अंदर आया था सिर्फ अलहदा मेडिकल के गैमगा ऑफिस में। मालूम नहीं किस तरह एजेंट के साथ बात किया, किस तरह हुआ वो, मुझे मेरे पास नंबर भी नहीं है और ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि मैं कुछ बता सकूं उसके बारे में ज़्यादा, लेकिन हाँ मुझे पता है कि उसे ए बी सी था हेपेटाइटिस, लेकिन वो सऊदी अरेबिया के अंदर आ गया। जब आपका इकामा बनता है उसके पहले आपका 170 और 75 याल सऊदी अरेबिया के अंदर आने के बावजूद बाद जब आपने इकामा बनवाना होता है तो 170 या 75 याल आपने देने होते हैं सिर्फ मेडिकल के। यहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट भी होता है, एक्सरा होता है छाती का जिस तरह भी, और बोल वो भी चेक होता है। उसके बाद जनाब मोहतरम वो फिट हो जाता है आदमी, वो उसको कोई दिक्कत नहीं आई थी, उसको कोई परेशानी नहीं आई थी। उसके बाद वो अपना नंबर मोबाइल नंबर वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर दे आया था, प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहे जहाँ भी, मुश्किल नहीं है। 170-75 याल आपकी फ़ीस आएगी मेडिकल, जब इकामा बनवाना होता है तो उसके लिए एक अलहदा होता है। जब आपने सऊदी अरेबिया आना होता है सिर्फ एक बार आपने मेडिकल करवाना है, तो उसके बाद आपने कोई मेडिकल नहीं करवाना यहाँ पर। अगर सऊदी अरेबिया के अंदर आप जितने मर्जी इकामे लें, 50 साल भी रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है, 10 साल रहेंगे तब भी मुश्किल नहीं है, बस आपको मेडिकल पहली बार ही करवाना है। इंश्योरेंस तो हर एक कामे के साथ होती ही है, मेडिकल वो 170-75 रियाल जो आपने देने हैं वो पहली बार ही देने हैं, उसके बाद आपका कोई ब्लड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वो आपका पास हो जाता है तो जनाब आपका एक कामा बन जाता है। अगर वो आपका पास नहीं होता ब्लड टेस्ट यानी जो इधर मेडिकल होता है, तो आपका एक कामा नहीं बन सकता, उसके लिए आपको फिर काफ़ी पैसे लगाने पड़ते हैं एजेंटों को, किस तरह मालूम नहीं, वो चक्कर मुझे हमें सऊदी अरेबिया के अंदर मालूम नहीं। और उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप समझ गए होंगी, और चैनल पर जो नए हैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब, मज़ीद ऐसी वीडियो अगर देखना चाहते हैं सुनना भी चाहते हैं तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये भाई हमारे पाकिस्तान से थे, काफ़ी मजबूर थे, मैंने आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बना दी, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, और मैं इस वीडियो इसलिए बनाई कि दूसरे भी देख सकें और वो भी इस वीडियो से सबक हासिल कर सकें। हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को इन्फॉर्मेशन हासिल हो अच्छी, और कोई वीडियो चाहते हैं आप किसी किस्म की हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं माजरत चाहता हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देख सकता, व्हाट्सएप नंबर नहीं देख सकता भाई, एक एक बताऊँगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है, एक एक आदमी को बताऊँगा तो 10 मैसेज कमेंट के जवाब दूंगा तब जाकर समझ आएगी अगले आदमी को। उसी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, आप समझ जाएंगे और उससे दूसरे भी काफ़ी भाई फ़ायदा ले लेंगे। ओके, इसी के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान।